दोस्तों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों एक बार पुनः आपको द सिविल टाइम के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे साइंस के एक जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है फिजिक्स, क्योंकि आजकल जो नए पैटर्न पे अगर आप देखिए तो बीपीएससी, यूपीएससी या और भी जो बिहार के जो बिहार में जो होने वाले एग्जाम, जैसे बिहार एसआई का एग्जाम है या फिर बिहार पुलिस का एग्जाम है या और भी जो भी एग्जामिनेशन जो बिहार गवर्नमेंट या बीपीएससी कंडक्ट करती है, तो उनमें साइंस का एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है। एक अच्छे नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं, लगभग 30% क्वेश्चन साइंस के होते हैं। तो देखिए पहले क्या होता था कि बायो का नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होता था, लेकिन इधर एक दो साल से देखा जाए तो फिजिक्स का भी इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाए हैं। तो देखिए फिजिक्स भी एक साइंस का महत्वपूर्ण सेगमेंट है और इसकी भी तैयारी हमें एक प्रॉपर तरीके से करनी है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इनमें फिजिक्स के जो सेगमेंट्स है इसी पे हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों पहले जो फिजिक्स का जो पहला जो महत्वपूर्ण चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए दोस्तों ये यूनिट डायमेंशन आप 9th में या 11th में पढ़े ही होंगे और ये जानते हैं ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इनसे आपको एक दो क्वेश्चन का स्कोप हमेशा बनता ही है। तो देखिए अब यूनिट के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है यूनिट। देखिए यूनिट दो प्रकार की होती है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा क्या होता है डिराइव यूनिट। देखिए फंडामेंटल यूनिट क्या होता है कि देखिए ऐसी राशियां या ऐसे यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड ना हो, मतलब इन्हें स्वतंत्र राशियां या स्वतंत्र यूनिट भी बोलते हैं। जैसे देखिए फंडामेंटल यूनिट 7 प्रकार के होते हैं, इनके मतलब 7 टाइप्स होते हैं। 7 टाइप्स के होते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे हो गया आपका पहला लेंथ को हम लोग एल से मेजर करते हैं लेंथ। देखिए पहले जैसे फंडामेंटल यूनिट को हमने डिफाइन कर दिया कि दोज यूनिट डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर यूनिट, मतलब जो ऐसी राशि जो किसी दूसरे राशि पे निर्भर ना हो वो फंडामेंटल यूनिट। और देखिए डिराइव यूनिट का क्या है कि दोज मतलब द टाइप्स ऑफ यूनिट डिपेंड ऑन अनदर यूनिट, या बोल सकते हैं कि ऐसी राशियाँ जो फंडामेंटल यूनिट पे या मौलिक राशि पे निर्भर हो वो क्या हो जाएगा डिराइव यूनिट। लिख देंगे कि डिराइव यूनिट डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट। मतलब ये ऐसी राशि है जो फंडामेंटल यूनिट पे निर्भर करती है। अब देखिए जैसे अब फंडामेंटल यूनिट में हम बताएं जो 7 प्रमुख जो राशि हैं, पहला लेंथ को हम लोग एल में या मीटर को हम लोग लंबाई में मेजर करते हैं। ये हो गया जैसे है ना, जैसे लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेंथ को हम लोग मीटर में। अब दूसरा क्या हो जाएगा लेंथ के बाद, इसमें देख लीजिए एम के एस और एफ पी एस, मतलब मीटर किलो सेकंड। इसमें क्या होता है फुट पाउंड और ये होता है सेकंड। देखिए ये क्या होता है कि इसे भारत में मेनली ये यूज किया जाता है और फुट पाउंड सिस्टम ब्रिटेन में चलता है। ये इंडिया में हो गया और ये हो गया आपका ब्रिटेन में मेनली, है ना, ब्रिटेन में। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहला क्या हो गया आपका लेंथ, दूसरा होता है आपका जैसे मान लीजिए लंबाई का, जैसे किलोग्राम हम लोग वजन को मेजर करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको ग्राम में मेजर करते हैं हम लोग, लेंथ मीटर में, किलोग्राम का ग्राम में, या इसको हम लोग जैसे केजी बोलते हैं किलोग्राम में, ये मेजर करते हैं। टाइम को किस में मेजर करेंगे, टाइम को हम लोग सेकेंड में, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मतलब लंबाई को लेंथ में या मीटर में, किलोग्राम को केजी में, टाइम को सेकंड में हम लोग मेजर करेंगे। इसके बाद हो जाता है जनते इलेक्ट्रिक करंट का, थोड़ा सा बिटाते हैं हम, देखिए
देखिए फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में, एम्पियर या ए से मेजर करते हैं, समझ गए। इसके बाद क्या होता है, इससे एक दो तीन चार हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। इसके बाद हो जाता है आपका थर्मोडायनेमिक्स या टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं केल्विन में, केल्विन या के में, समझ के ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर को केल्विन या के में। फिर होता है अमाउंट ऑफ, एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। छठा क्या हो जाता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, तो इसे हम लोग मोल में मेजर करते हैं, मोल, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मतलब किसी पदार्थ की जो जो सूक्ष्मतम या न्यूनतम जो इकाई है मात्रा, उसको हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस या मोल में मेजर करते हैं। और एक आखिरी होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखिए इसको हम लोग फ्लक्स में मेजर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी बहुत बार पूछ चुकी है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग जैसे किसे मेजर करते हैं, फ्लक्स नहीं, कैंडिला होता है जी, ध्यान रखिएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला में, कैंडिला एक और इससे मिलता जुलता है कैंडिला को, सीडी, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से इनके हम यूनिट को लिख देते हैं आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए तो पहला क्या, जैसे सिक्स हो गया आपका अमाउंट ऑफ मोल, समझ गए ना, इसका हो जाएगा आपको क्या, या अमाउंट ऑफ मोल या अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, तो ये आपका हो जाएगा मोल। और जो सातवां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बोलते हैं जैसे कैंडेला या सीडी में, ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए सात आपके मौलिक राशियां हो गए, कौन कौन से, पहला हो गया आपका लेंथ, लंबाई, इसको मेजर करते हैं किस में, लंबाई को मीटर में। दूसरा हो गया आपका मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में, केजी। तीसरा क्या हो गया आपका, तीसरा आपका हो गया टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करेंगे, और इसका जो इंडिकेशन टी होता है, स्मॉल टी। फिर आपका हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में। उसके बाद हो जाता है आपका थर्मोडायनेमिक्स और टेम्परेचर, तो देखिए थर्मल टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं केल्विन में, केल्विन या उसका जो एक इंडिकेशन यूनिट है के। उसके बाद हो जाता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को हम मेजर करते हैं मोल में, समझ गए। और जो सातवां है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, इसे बोलते हैं हम लोग ज्योति तीव्रता हिंदी में, ज्योति तीव्रता, इसको हम लोग कैंडिला या सीडी से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए ये दोस्तों ये आपके सात फंडामेंटल यूनिट हो गए हैं, और इन्हीं से मिल करके डेराइव यूनिट बनते हैं। तो देखिए जैसे डेराइव यूनिट के बारे में थोड़ा सा या कुछ और दिन के बारे में बता देते हैं, जैसे थोड़ा जिक्र किए थे MKS, CGS और FPS। देखिए तीन सिस्टम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे एक देख लीजिएगा आपके पास, जैसे बोलते हैं ना कि SI सिस्टम, इसे का मतलब होता है इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड जो सिस्टम है मेजरमेंट का, तो वो देख लीजिएगा। तो इनमें देखिए एक जो महत्वपूर्ण हम लोग जैसे MKS, ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया आपका मीटर किलो और सेकेंड, ध्यान रखिएगा, जैसे होता है ना मीटर को हम लोग, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मीटर को हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं, मीटर
को हम लोग क्या एम मतलब मीटर को इसे लेंथ मतलब मीटर को हम लोग किसमें मेजर करेंगे, समझ गए ना? जैसे एम के एस को हम लोग एल लंबाई, ये आपका लंबाई का हो गया ना, और किलो हो गया आपका, जैसे किलो हो गया आपका ग्राम में, समझ गए? और टाइम हो गया आपका जो सेकंड में। तो ध्यान रखिएगा एम के एस मीटर किलो सेकंड। एक होता है देखिए एफ पी ए, से भी ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाता है फुट पाउंड, क्या होता है ये हो गया आपका सेकंड। एक होता है सीजीएस, सी जी एस, ये क्या होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो जाता है ग्राम। ये यहाँ पे केजी था, यहाँ पे क्या था किलोग्राम का केजी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ग्राम, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी सेकंड हो जाएगा। तो देखिए ये सब जो तीन चार, और इसके बाद एक और हो जाता है, एक हो जाता है आपका, एक आपका हो जाता है, चलिए अभी तीन ही आप ध्यान रखिए, जैसे कौन सा एम के एस एफ पी एस और सी जी एस, ये तीन जो ईसाई सिस्टम है इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो दोस्तों देखिए आज की वीडियो में ना हम इतना ही बताएंगे, इसके बाद आगे जैसे डिराइव यूनिट को डिफाइन करेंगे, और इनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी हमारा ध्यान रहेगा। तो पहले आप फंडामेंटल यूनिट डिराइव यूनिट के समझ जाइए, समझ गए? उसके बाद कौन कौन से जो सिस्टम्स है इनको समझ जाइए, जैसे एम के एस एफ पी एस, एफ पी एस से जरूर पूछे जाते हैं, एम के एस एफ पी एस और फिर आपका कौन है सी जी एस, ये तीन सिस्टम को बड़ा बिल्कुल आप अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।